हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लेरिफाइड लर्निंग में। मेरा नाम है शिवम शर। आज हम बात करने वाले हैं रायमन इंटीग्रल के ऊपर। रायमन इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये कि आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रायमन इंटीग्रल्स का, कुछ ऐसे टर्म्स जिसको पढ़ने के बाद हम रायमन इंटीग्रल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमारा होने वाला है वो पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? लेकिन इस चैप्टर में रायमन इंटीग्रल में हम बहुत बार इंटरवल, सब इंटरवल इस वर्ड का बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इंटरवल समझ लेते हैं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल किसी भी लिमिट टाइप से बोल सकते हो आप उसको। जैसे कि यहाँ a कॉमा बी एक इंटरवल है, मतलब सपोज एग्जांपल के तौर में समझते हैं 1.2 एक इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो वैल्यू है स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है। ये हमारा एक इंटरवल हो गया। अब सब इंटरवल क्या होगा? इसका सब इंटरवल मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरवल है 1 से 4 तक, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। इसका डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 1, फिर ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा 4। 1 से 4 हो गया ये इसका इंटरवल, 1 और ये 4। अब इसके बीच में क्या क्या पॉइंट आता है? 2, 3, ठीक है। तो ये इसका एक क्या हो गया? सब इंटरवल हो गया। ये इसका एक सब इंटरवल हो गया। ये इसका एक सब इंटरवल हो गया। इसको लिखेंगे कैसे? 1.2, 2.3, फिर 3.4। ये छोटे छोटे क्या हो गए? इसके सब इंटरवल्स हो गए। तो ये इंटरवल होता है और ये सब इंटरवल होता है। किसी भी इंटरवल को हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं पार्टीशन, इससे आपको और अच्छे समझ आएगा। सपोज लेट I इज इक्वल टू ए बी, बी ए क्लोज्ड इंटरवल, इसे हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना ही पार्टीशन कहलाता है। किसी भी इंटरवल को अगर हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन। पार्टीशन के नाम से ही क्लियर है कि पार्टीशन मतलब क्या समझते हैं हम। किसी भी इंटरवल को अगर हम बहुत सारे n टर्म्स में, nth मतलब जितने n बार डिवाइड कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं, ये कोई लाइन है, इसका नाम देते हैं ए, इसका देते हैं बी। हमने ये इंटरवल लिया है, इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? इसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ये हो गया एक्स ज़ीरो, ये एक्स वन, एक्स टू, नाम देते हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं इसको, सपोज हमने डिवाइड कर दिया, इसका नाम दे दिया, ये कुछ पॉइंट होगा ए बाई टू, ये इस तरीके से, इसको एक्स वन नाम दिया। जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको नाम दे दिया हमने, इसको क्या बोलेंगे हम? पार्टीशन पॉइंट। जिस पॉइंट से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे पार्टीशन पॉइंट। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, सपोज यहाँ पास एंथ टर्म तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा? एक्स एन। ये कहाँ तक जाने वाला है? एक्स एन तक जाने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? एन से पहले मैं आपको एच बता देता हूँ, एन से पहले हमारा आइथ टर्म आता है। यहाँ पार्टीशन में सपोज करते हैं हम, एक्स से पहले हमारा यहाँ पास एक्स आई वाला आएगा टर्म, उससे पहले क्या आएगा? एक्स आई माइनस वन। सिमिलरली n में देखा जाए तो n तक हमने डिवाइड किया, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? x n माइनस वन। एक्स एन से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? x n माइनस वन। एक्स आई से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? x i माइनस वन। तो पार्टीशन क्या होता है? किसी भी टर्म को अगर मैं इतने बहुत सारे पार्ट में nth पार्ट तक डिवाइड कर दिया a कॉमा b को, ये पार्टीशन कहलाएगा। अब इसी में अगर आपको बोला जाए कि इसको आप सब इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे हम इसे? एक्स ज़ीरो कॉमा एक्स वन, फिर एक्स वन, एक्स टू, ऐसे चलते चलते बहुत एक्स एन माइनस वन, एक्स एन हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं सब इंटरवल। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी सब इंटरवल का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है, ये 1 है और ये 3 है, इसको इंटरवल मान लो आई इज इक्वल टू 1.3। अब मैं बोलूँगा इसे आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? इसका b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए। b क्या है यहाँ पास? ये, और ये क्या है? a। मान लेते हैं ऐसा 3 माइनस टू करते हैं, 3 माइनस टू, इसका लेंथ कितना आया? 1। तो यहाँ से हमारा बेसिक फार्मूला क्या निकल के आया? b माइनस ए नेचुरली निकल के आया। ये फार्मूला जो है हमने डिराइव नहीं किया, ये नेचुरली हमारा फार्मूला बन गया अपने आप। क्या करते हैं जब भी हमको लेंथ निकालना होता है, डायरेक्ट हम माइनस करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है माइनस करना है। तो यहाँ से हमने क्या क्या माइनस किया? अब मैं आपको बोलूँ इसी में साथ साथ आपको पार्टीशन भी निकालना है, मतलब कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया इस पॉइंट्स को, मतलब ए कॉमा बी जो है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये भी निकालना है मुझे साथ में। तो क्या कर दोगे आप? इसके अपॉन में एन कर दोगे। सिंपल लैंग्वेज में मान लेते हैं एग्जांपल कि यहाँ से यहाँ तक को मुझे
इसको इसको जीरो मान लिया या फिर इसको वन मान लेते हैं, वन टू हंड्रेड। इसे आपको टेन, दस भागों में बांटना है, पार्टीशन करना है दस भागों में। तो कैसे करोगे आप, मतलब यहाँ क्या दिया, एन इज इक्वल टू टेन मुझे मिल गया है, मतलब ये टेन होगा, फिर ये क्या होगा ट्वेंटी, फिर थर्टी, फिर फोर्टी, इस तरीके से जाएगा ये। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन में एन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुटअप करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। पार्टीशन को हम डाइसेक्शन और नेट ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं। पार्टीशन को हम डाइसेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइसेक्शन एंड नेट ऑफ डिवीजन, इसे आप लिख लीजिए। और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया लेंथ निकालना किसी भी इंटरवल का, उसे मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा फॉर्मूले के तौर में, अभी आपको समझते चले आना है बस। पार्टीशन को हम पी से डिनोट करते हैं, पार्टीशन को पी से डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मैथ ऑफ पार्टीशन का। तो सपोज लेट लेट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड इट्स पार्टीशन, एंड इट्स पार्टीशन क्या होगा इसका, p इज इक्वल टू मान लेते हैं ए कॉमा बी, मैंने क्या बताया पार्टीशन आपको, x0 x1 n टर्म तक जाता है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x0 x1 x2 x3 so on xn तक। 21 किसके बीच के पार्टीशन है, a इज इक्वल टू से लास्ट b तक का, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें मैथ ऑफ पार्टीशन समझना है। तो सपोज हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी ये क्लोज इंटरवल है, इसका पार्टीशन ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके सब इंटरवल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ्स लेंथ्स ऑफ सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है, x1 से x0, x2 से x1, इसको माइनस करते हैं ना, उसी को डेल बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं x1 माइनस x0 करूँगा, इसे बोलूँगा डेल x1, ऐसे ही करते जाऊँगा इस तरीके से, डेल x2, डेल x3। तो यहाँ सेम लिखने वाले हैं, लेंथ ऑफ सब इंटरवल ये क्या होने वाला है, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, इस तरीके से डेल एक्स फोर, डैश 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 सो ऑन डेल एक्स एन तक जाएगा ये। तो यहाँ से हम मैथ ऑफ पार्टीशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात मैथ ऑफ पार्टीशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डबल लाइन फिर बी फिर डबल लाइन, मैथ ऑफ पार्टीशन हो गया ये। फिर इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसके अंदर आएगा डेल एक्स आई, डेल एक्स आई इज टू आई इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा डैश डैश डैश। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको, जब हम ये लेंथ निकालेंगे डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, डेल एक्स फोर, ये जब हम लेंथ निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा लेंथ जिसका रहेगा, सबसे मैक्सिमम जिसका लेंथ आएगा वही कहलाएगा मैथ ऑफ पार्टीशन। क्या बोला मैंने, मैं जब इसका सब इंटरवल का डिस्टेंस निकालूंगा, लेंथ निकालूंगा, एक्स एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरीके से जब मैं लेंथ निकालूंगा तो क्या होगा इसका, लेंथ निकालने पे सबसे ज़्यादा लेंथ, सबसे मैक्सिमम लेंथ जिसका आएगा, मैक्सिमम लेंथ जिसका आएगा उसको क्या बोलेंगे, मैथ ऑफ पार्टीशन। तो मैथ ऑफ पार्टीशन क्या समझे हम, इसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम जो रहेगा सब इंटरवल का लेंथ उसे हम क्या बोलेंगे, मैथ ऑफ पार्टीशन बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं रिफाइनमेंट के ऊपर। रिफाइनमेंट क्या होता है, सपोज किसी भी इंटरवल का पार्टीशन मान लेते हैं, पार्टीशन जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है किसी भी इंटरवल का मान लेते हैं सपोज, तो यहाँ पास पार्टीशन दिया गया है वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स, ये हमारे पास पार्टीशन दिया गया है। और सिमिलरली कोई दूसरा पार्टीशन, इसको हम पी स्टार मान लेते हैं, पी स्टार, पी फिर ऊपर में आएगा स्टार, इस तरीके से इसका पार्टीशन मेरे पास दिया गया है वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, यहाँ बी से इस पार्टीशन में क्या है, फाइव को हटा देते हैं, फाइव और फोर को हटा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा वन टू थ्री सिक्स, यहाँ वन टू थ्री फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन, इस तरीके से दिया गया है। पहला पार्टीशन जहाँ पास वैल्यू दिया है वन टू थ्री फोर, सॉरी वन टू थ्री सिक्स, एंड पी स्टार जो पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन है पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ध्यान से देखो यहाँ पास बोर्ड में, यहाँ वन टू थ्री सिक्स है, यहाँ भी वन टू थ्री और सिक्स है, वन टू थ्री और सिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, P इज अ सबसेट ऑफ P स्टार, मतलब P स्टार के अंदर ये जो पार्टीशन है इसके सारे वैल्यू आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसका सबसेट क्या है, P है, मतलब इसके अंदर सारे वैल्यू आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफाइनमेंट। किसी भी दूसरे पार्टीशन के अंदर पहले पार्टीशन का वैल्यू आ जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए अगर, तो P इज अ सबसेट ऑफ P स्टार, मतलब पी स्टार के अंदर सारे वैल्यू आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफाइनमेंट।
अब बात करते हैं लोअर बाउंड्स के ऊपर। लोअर बाउंड्स क्या होता है, सपोज यहाँ पास हम कोई रियल लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बोल सकते हो या फिर आप, तो यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कॉमा, इस पॉइंट को मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। ये 1 है, ये 3 है, तो 1 से पहले बहुत छोटे नंबर भी हो सकते हैं, इधर क्या है बहुत सारे छोटे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इस साइड क्या है बहुत छोटे नंबर भी हो सकते हैं, और 3 से ऊपर बहुत नंबर हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना, तो ये इस साइड का हो गया। अब इधर बहुत छोटे नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर बाउंड्स है, ये क्या है, लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम इन्फीमियम बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड समझते हैं, लोअर बाउंड वो कैसे, इंटरवल 1, 3 दिया है, तो उसमें लोअर बाउंड किसको लेंगे हम, 1 को लेंगे, 1 क्या है यहाँ पास, लोअर बाउंड। तो यहाँ पास सपोज आई इज इक्वल टू आपके पास दिया गया 1, 3, तो यहाँ पास लोअर बाउंड क्या कहलाएगा, 1, क्योंकि लोअर बाउंड 1 क्यों कहलाएगा, सबसे छोटा टर्म जो है वो हमारा 1 है, और उससे बड़ा क्या है, 3, तो 3 क्या है यहाँ पास, ये 3 जो है इसे हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। सपोज आई इज इक्वल टू यहाँ भी क्या दिया गया, 1, 3, तो यहाँ पास अपर बाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। अब बात करते हैं इन्फीमियम के ऊपर, इन्फीमियम क्या होता है, इन्फीमियम आपको निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है आपको कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीमियम, इन्फीमियम मतलब क्या होता है, इन्फीमियम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सही समझ सकते हैं, ग्रेटेस्ट बोला है मतलब लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट जो रहेगा उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसके पहले क्या होगा, 1 से पहले 0, -1, -2 बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, तो उससे बड़ा क्या है, 1 सबसे बड़ा हो गया, कि 1 से पहले तो बहुत छोटे नंबर हैं, तो 1 सबसे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ पास इन्फीमियम क्या हो जाएगा, इन्फीमियम यहाँ पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इन्फीमियम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब क्या है, यहाँ पास इंटरवल में आई इज इक्वल टू 1, 3 में, इससे पहले क्या होता है, 1 से पहले, 1 से पहले क्या है, बहुत सारे छोटे नंबर आते हैं, छोटे नंबर आते हैं, सबसे बड़ा क्या है, इसमें 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमियम को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इन्फीमियम यहाँ 1 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में सिंपल रखो, लोअर बाउंड मतलब इन्फीमियम, मतलब 1 क्या हो गया यहाँ पास, इन्फीमियम, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बहुत आसान है, छोटे से जितने भी छोटे नंबर हैं उसके पीछे उससे सबसे बड़ा क्या है, 1 है, 1 सबसे बड़ा है उस सबसे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1 है, 1 से और कोई छोटा नंबर है क्या इंटरवल में, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इन्फीमियम हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली इसमें आते हैं सुप्रीमम में, सुप्रीमम में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, इसको एक और नाम जानते हैं, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। ये क्या होता है, 3 के ऊपर बहुत सारे नंबर हैं, 3 के ऊपर बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 7, बहुत आगे 100, 200, बहुत आगे तक बहुत सारे नंबर हैं, तो ये क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, 3 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, कि उसके आगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, 3 उन सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये क्या है, अपर बाउंड है, मैंने इसलिए आपको पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताया, इसलिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट अपर बाउंड आ रहा है। अपर बाउंड क्या होता है, 3, क्योंकि इंटरवल में अगर बात करें हम, इंटरवल में सबसे बड़ा बाउंड क्या है, 3 है, सबसे बड़ा अपर बाउंड क्या है, 3 है, लेकिन अगर मैं सुप्रीमम में बात करूँ, सुप्रीमम बोलते हैं स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड जो है उसके आगे बहुत सारे नंबर हैं, तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, इसलिए स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कहते हैं इसे। तो आज का जो लेक्चर था रायमन इंटीग्रल का, ये कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था, जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको अच्छे से समझिए, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो आप फिर से देखिए एक बार, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।